हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ छत पे सुबह सुबह कपड़ा डालने के लिए और अंशु आरव सो रहा है। सुबह सुबह डाल देने से होता है, 10-11 बजते बजते सारा कपड़ा सूख जाता है। और 2-3 दिन से यहाँ अच्छा से धूप भी नहीं हो रहा है और अभी मेरा नहाना हो गया है, मैं नहा के आई हूँ। तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा धूप में बैठना, लेकिन अंशु नीचे आ रहा है, उठ जाएगा वो लोग, क्योंकि हम लोग रात को जल्दी ही सो गए थे। हम लोग 9 बजते बजते सो गए थे। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए चलते हैं नीचे। और यहाँ आरा उठ के बैठा हुआ है, दूध देने आया, बेल बजाया, बस ये लोग उठ गया है ना बाबू। तुम ऊ दूध के दवाई ही लेने लगता है बाबू। हाँ, जब बेल बजे तब नहीं आके उठा। और देखिए यहाँ का मौसम बिल्कुल भी धूप नहीं है। और मैं दिखाती हूँ किस मंदिर में गाना बज रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम बहुत सुबह से ही बज रहा है, मतलब नींद टूट गया। इतना सीधे सामने ही है, इधर ही पूरा आवाज आता है। यही पूजा करने जाने वाले थे जो हम लोग नहीं गए। सारा रात गाना बज ही रहा है। आप फटाफट कंबल वम्बल सब मोड़ ले, बेड वेड क्लीन कर ले। पुतू उठ गया है, दूध भी गर्म करना है ना पुतू। अभी ठीक है अप्पा, अभी अप्पा नहीं, बुखार नहीं है क्या? तुम ठीक हो ना? अभी पापा आ जाएंगे तो चलो पहले फट जाओ, तुम ब्रश करो। हमारा ब्रश में पेस्ट लगा दिए हैं, पहले कंबल वम्बल सब मोड़ ले। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं और देखिए क्या लाए हैं। ये फड़क्का से लाए हैं गुड़ का मिठाई, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये लाए हैं अर्निका, हेमोपैथिक दवा है ये। बच्चा जब गिर जाता है तो उसको 2-3 बूंद देने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और ये जर्मन है, बहुत ही अच्छा है, इसको रखना चाहिए हर हमेशा, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। और इसको देने से ना बहुत जल्दी दर्द ठीक हो जाता है, सर का चाहे चोट कुछ भी। और ये लगाने वाला भी है अर्निका, आप लगा भी सकते हैं जहाँ चोट लग जाता है। और मेरे पास ख़त्म हो गया था और मेरे हस्बैंड नहीं थे, आरब गिर गया था, तो अभी तक उसका सर थोड़ा सा फूला हुआ है, इसलिए वो 2 लेके आए हैं। मतलब ये तो हमेशा घर में रहना ही चाहिए जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। और इधर ये है बंगाल का आलता, जो बहुत ही सुंदर होता है। बंगाल का आलता और सिंदूर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिंदूर हस्बैंड को नहीं खरीदना चाहिए तो वो नहीं लिए, सिर्फ आलता लिए। और एक लिए ये मेरे लिए चप्पल, बहुत ही सुंदर लग रहा था कलर। मैं उनको बोली थी कि वहाँ से ले के आने के लिए, तो ले के आए हैं। देखिए ये ज़्यादा दाम का नहीं है, बस 150 का ही है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत लंबा समय तक चलता है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसीलिए मैं ली। और एक अरब के लिए लिए चप्पल, अरब ये पहना हुआ है, देखिए अच्छा लग रहा है। आपको मेरा ये स्लीपर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मुझे ब्लैक पसंद है, लेकिन वो ब्लैक नहीं मिला, सेम डिज़ाइन में रेड ही मिला, तो रेड ही लिए। और बस यही सब लेके आए हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। तो आज मैं खाने में बनाई हूँ चावल, और ये सजना आलू की सब्जी,
इधर बना है दाल, अभी मैं छौंका नहीं लगा रही हूँ, बाद में लगाऊंगी। और कुछ नहीं, बस इतना ही बना है खाने में। और सुबह हम लोग नाश्ता किए थे पूरी। और मैं दिखाती हूँ आरव क्या कर रहा है। और आरव खा रहा है बिस्किट, देख रहा है टीवी। अभी इसका बुखार ठीक है, आज हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, फिर से दवा चेंज करके लाए हैं, तो अभी ठीक है। और ये देख रहा है टीवी, इधर ओगी यही सब देखता है ये। और अंशु स्कूल गया है। और आज मैं अपनी वीडियो यहीं पेंट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।